बिहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवारी। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की हत्या की साजिश रचने वाला प्रयागराज में गिरफ्तार। बद्री केदार विकास समिति के वार्षिकोत्सव में दिखी रुद्रप्रयाग चमोली की संस्कृति की छटा। उत्तराखंड एसटीएफ ने 25,000 का इनामी गैंगस्टर दबोचा, 2021 से चल रहा था फरार। उत्तराखंड के युवाओं ने ओला और उबर जैसी इंटरनेशनल कंपनियों को मात देते हुए देहरादून में दून राइड सेवा शुरू की है। ये टैक्सी सेवा देहरादून से कहीं भी जाने के लिए उपलब्ध है। दून राइड के संरक्षक रविंद्र सिंह आनंद ने बताया कि महज एक महीने में 1,500 से ज्यादा टैक्सी संचालक इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसमें कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है और ओला और उबर से किराया भी कम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोकल युवाओं द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है, जिसे सभी को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। आज से कुछ समय पूर्व मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बताया कि ये जो जो मैक्सी और कैब वाले जो लोग हैं, जो टैक्सी वाले लोग हैं, चालक हैं, इन लोगों ने मिल करके एक ऐप बनाया है जिसका नाम है दून राइड। और इससे पहले ये ओला और उबर नाम की कंपनियों में पहले से गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन इनका वहाँ शोषण हो रहा है। 30-40% जो है वो ये कंपनियां ही उनका कमीशन ले जाती हैं, जिससे कि ड्राइवर भाइयों को कुछ नहीं बचता। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो ड्राइवर है उसने अगर एक गाड़ी अपनी लोन में लेकर के डाली है, तो महीने भर गाड़ी चलाने के बाद उसको किस देने के लिए पैसा चाहिए, उसको अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो सब पैसा कमीशन में ही चला जाता है। इसलिए इन लोगों ने ये सोचा और मुझे जब मैंने सुना और मुझे पसंद आया तो मैं इनके साथ हो लिया। और दूसरी बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है दून राइड, ये देहरादून और उत्तराखंड के अपने बच्चे हैं, लोकल लड़के हैं जो इस काम को कर रहे हैं। इसमें लगभग अभी तक 1500 से ज़्यादा गाड़ी अटैच हो चुकी हैं, जो कि सारी लोकल हैं, सारी यूके नंबर हैं। कब से और ये अभी इसको स्टार्ट हुए हुए, क्योंकि इन्होंने इसको दो फेस में किया। पहला फेज इनका गाड़ी अटैच करना था, जो अभी भी चल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से ये गाड़ी अटैच कर रहे थे और अभी लगभग 15 दिन पहले इसको इन्होंने लॉन्च किया है कस्टमर्स के लिए। और इसमें जुड़ने के लिए जो हमारे साथी हैं, ड्राइवर साथी हैं, उनको सीधा सीधा ये लाभ है कि उनको कोई कमीशन नहीं देना। अच्छा। इन भाइयों ने कोई कमीशन नहीं रखा है। 30-40% जो कंपनियाँ कमीशन ले रही थी, ये 0% पे काम कर रहे हैं। बद्री केदार क्षेत्र के देहरादून में निवास कर रहे लोगों को अपनी बोली, भाषा, संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से सीमांत जनपद चमोली रुद्रप्रयाग जिलों के लोगों की प्रतिनिधि संस्था बद्री केदार समिति का बनियाद नाम से वार्षिकोत्सव डिफेंस कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में किया गया। इस अवसर पर संस्था की सार गर्भित स्मारिका गढ़ नंदिनी का विमोचन भी किया गया। अभी हमारे बीच में डॉक्टर अनुप बहुत संवेदनशील कहानी जी, डॉक्टर अनुप सेमर 10 माह जो अरसु भाजी थी श्रीनगर रहेगी और जब तो आए तक मेरी मुलाकात ये बेटा से हुई तो मेरी यही प्रतिवादी देगी और यो अपने साथ ना दौरी अब बोले मैंने बेटा अनुप तू क्या क्या करो तेर क्षेत्र शिक्षा थी और आज वह बेटा एक गरीब परिवार में टी घूम रही थी जयमू की फीस जोड़ा भी पैसे की चाह और लगे थी कंके लगे थी ये हुए बाबा यूनि पालना था लेकिन देख अब विषम कठिनाइयों में भी डॉक्टर अनुप सेमर आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर था तो हम भी गर्व। महिलाओं और छात्राओं के साथ आए दिनों होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उत्तराखंड मित्र पुलिस को सौंपी गई है। महिलाओं की सुरक्षा का बीड़ा उठाने वाली पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के मोबाइल फोन में गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करा रही है, जिससे आपातकालीन स्थिति में ऐप की सहायता से पुलिस की मदद मिल सके ताकि समय रहते किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। ऐप माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो नारी सुरक्षा और महिलाओं विशेषकर जो बालिकाएँ हैं उनकी सुरक्षा हेतु यह ऐप बनाया गया है। इसमें उनको सुविधा दी गई है कि उसमें यदि वो जहाँ पे भी रहेंगी तो पैनिक बटन दबाती हैं तो तत्काल उस क्षेत्र की पुलिस उनसे संपर्क करेगी, उनकी समस्या का निराकरण करेगी।
इस ऐप के प्रचार प्रसार हेतु सभी थानों में टीम बनाई गई है, जो संबंधित एरिया के स्कूल, फैक्ट्री एरिया व बाजारों में जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको संबंध में बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, फोन पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूरवर्ती गांवों में निवासरत ग्रामीणों को उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा जनपद के लिए नामित चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में ग्राम ग्वाली में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र विभिन्न समस्याओं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं को सामने रखा गया। आज सुशासन दिवस है 25 दिसंबर, और सरकार ने सभी सचिवों को जिले आवंटित किए हैं और कहा है कि हम दूरस्थ गाँव का चयन कर लें इन कोऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ जाके हम लोग चौपाल लगाएं और जो गांव के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें रूबरू हों और शासन स्तर के जो इश्यूज हैं वो शासन को अवगत कराएं और उसका समाधान करें। इसी क्रम में मैंने आज ये जो काम है वाली यहाँ पे मैंने चौपाल किया है और यहाँ पे साथ साथ इनके SDM भी हैं, SDM साहब भी, अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, और इसमें जो गांव आए थे क्वाली के साथ साथ चमकोट और जसोदी के गाँव आके भी उनके आए थे, उन्होंने भी अपनी समस्याएँ रखी और मूलभूत जो सुविधाएं हैं बिजली की, सड़क की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इन सब प्रॉब्लम से गाँव वालों ने सबको अवगत कराया। और इसमें हमने 3 किस्म की कैटेगराइजेशन किए हैं। एक ऐसे समस्याएं जिसका समाधान जिले स्तर पर ही हो, तो SDM साहब से मैंने अनुरोध किया है, उन्होंने नोट कर लिया है, नोट कर लिया है और इसका समाधान हम जिले स्तर पर ही निकालेंगे। मैं भी जिलाधिकारी महोदय के साथ बात करूँगा, इसका समाधान कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग शासन जो शासन स्तर पर हैं या शासन स्तर पर लंबित हैं या जो कार्रवाई शासन की है वो समस्याएं मैंने अभी नोट कर ली हैं और मैं संबंधित विभाग चाहे कोई भी विभाग हो उस विभाग के सचिव साहब हैं उनके साथ मैं विचार विमर्श करके वहाँ पर शासन स्तर पर समाधान निकाल। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।